मालवा राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के तत्वाधान में आज अगर एसीपी महोदय को दिया गया ज्ञापन, पिछले कई सालों से राष्ट्रीय का फाउंडेशन संस्था इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसी बात को लेकर आज आगर मालवा के एसपी राकेश सागर शाह को दिया गया ज्ञापन। भारत के कई राज्यों में चिंट फंड कंपनियों के शासन ने काम करने के लिए लाइसेंस दिए, लेकिन उन्हीं कंपनियों के शासन ने कुछ सालों के बाद बंद भी कर दिए। अगर शासन को इन कंपनियों के बाद बंद ही करना था तो इनको लाइसेंस देकर चालू नहीं करना चाहिए था। आज कंपनियां शासन ने बंद करने के बाद कार्यकर्ता और निवेशक दोनों परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या जुर्म है एजेंट का? अगर शासन इन संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन नहीं देता तो आज इतनी एजेंट और निवेशक परेशान नहीं होते। आज शासन ने कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर ली है, वहीं बैंक अकाउंट सील कर दिए हैं। अब इसमें निवेशक या एजेंट करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए? इन कंपनियों को बंद होने के बाद भी हजारों एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि जो पैसा एजेंट ने खाता धारकों से लिया था वह तो उस कंपनी ने जमा कर लिया, लेकिन इन निवेशक सिर्फ एजेंट को ही परेशान कर रहा है, जबकि शासन को कंपनी के खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए, क्योंकि एजेंट तो बेगुनाह है, उसका क्या कसूर है? राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ये चाहता है कि जमा कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को पैसा भी शासन दे और बेगुनाह एजेंट की ऊपरवाही कार्रवाई ना हो, क्योंकि एजेंट का इसमें कोई दोष नहीं है। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन कई राज्यों में आवेदन दिए हैं, एजेंटों के ऊपर कार्रवाई ना करने की बात कही है। संस्था ने कई कंपनियों के केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा रखे हैं। जब बात राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी साहब से हुई तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे आगर जिले में इस टाइप का कोई केस नहीं है, और अगर आता भी है तो हम लोग एजेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या मामला है, अभी आपने कहा किस बात का ज्ञापन दिया है? सर, ये चिटफंड पीड़ित एजेंटों के सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। इसमें क्या, जैसे बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं, 2 लाख कंपनियां बंद हुई थी, और उनका अभी जैसे गृहमंत्री जी ने घोषणा की कि भाई हमने करोड़ों रुपया दिलवाया, तो वो एजेंटों का दबाव बनवा के ना एजेंटों से पैसा दिलवाया गया, जबकि कंपनियों से दिलवाना चाहिए था। कंपनी की प्रॉपर्टी जो सीज हो रही है उसको बेच के और जल्दी से जल्दी लोगों को पैसा दिलवा देना चाहिए, तो वो ना हो कि जैसे ही कोई भी आवेदन जाता तो उस आवेदन के आधार पे एजेंटों को दबाव बना के उनसे पैसा दिलवाया जाए। तो अभी आपने तो हमने ये मांग की है कि मतलब जो भी कंपनी की शिकायत आती है, किसी भी कंपनी की शिकायत आए तो उसमें एजेंटों को गवाह बनाया जाए, क्योंकि गवाह ही बता सकते हैं कि भाई कहाँ पर क्या मामला हुआ था, और शिकायत कंपनी मालिक और डायरेक्टर के खिलाफ होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी सीज होना चाहिए, उनके अकाउंट सीज होना चाहिए, वो निवेशकों को पैसा दिला देना चाहिए। अभी जब आपने आवेदन दिया है तो इसके साथ सॉरी इसके साथ ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या बोला? इसमें साहब ने बोला कि हमारे यहाँ भी ऐसा कोई मामला नहीं आया, और अगर आता भी है तब हम उसको ध्यान रखेंगे, नीचे आदेश उतार देंगे, किसी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई ना हो। पूरे जिले में चल जाएंगे, और हमसे कहा गया कि यदि कोई सहारा वाले हो तो सहारा वाले आके यहाँ पे आवेदन जमा कर सकते हैं, जो केस चल रहे हैं उसको संलग्न कर सकते हैं। ये आपका फाउंडेशन कब से चिटफंड कंपनियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है? हमारा फाउंडेशन 2017 से कंटिन्यू मतलब 8 प्रदेश का कार्रवाई कर रहा है। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब 50 एजेंटों ने MP में ही आत्महत्या की थी, तो हमें लगा था कि समाज सेवा के लिए इससे बेस्ट कोई रास्ता नहीं है, तो उसी टाइम में हम लोगों ने कार्रवाई की थी। हर कलेक्टर कार्यालय पर हम लोगों ने शुरुआत में कार्रवाई की, फिर प्रदेश लेवल पर की, राष्ट्रीय लेवल पर की, अभी कुछ कंपनियों के केस हम सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं, और जैसे कोरोना काल की वजह से कोर्ट में अभी स्थायी नहीं चल रही है, तो अब कोर्ट में कार्रवाई हो भी रही, नीचे एजेंटों पर दबाव बनाया जा रहा है, और जिस तरह कोरोना की वजह से सभी लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, क्योंकि बेरोजगार तो पहले ही है, और इन कंपनियों के एजेंट तो वैसे ही बेरोजगार हो गए थे, कंपनियाँ बंद हुई थी, फिर कोरोना की वजह से परेशान, फिर अब पुलिस प्रशासन या निवेशक परेशान करता है तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। कई जगह ऐसा हमारे पास फोन आता है, मैडम ऐसी इच्छा थी हम आत्महत्या कर लें, तो उनको बचाने के लिए ही हम लोगों ने कहा।